Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. Jai Hind. मैं ललित खत्री और आज है 8 मार्च. 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में विश्व भर में सभी देशों में, चाहे वो विकासशील राष्ट्र हो या विकसित राष्ट्र हो, सभी देशों में महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चाएं की जाती है. ये मुद्दे आर्थिक हो सकते हैं, ये मुद्दे सामाजिक हो सकते हैं. इन मुद्दों में वो मुद्दे शामिल होते हैं कि किस तरह से महिलाओं को तरक्की के राह पे बढ़ाया जा सके. इसी क्रम में MTTV इंडिया अजमेर की उन प्रभावशाली प्रसिद्ध महिलाओं को अजमेर की जनता से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने अजमेर में, अजमेर के समाज के लिए अलग अलग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है. इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं अजमेर के टाक शिक्षा निकेतन के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मैम लविका टाक के साथ. और आज हम, सबसे पहले मैम आपका स्वागत है इस शो में. थैंक यू सो मच. और साथ ही साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच मैम. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस शैक्षणिक गतिविधि में आपका आना और शैक्षणिक रूप से आपको अपना करियर बनाना, तो आपने कैसे सोचा कि हम लोग आप इस शिक्षा के क्षेत्र में आने का? देखिए ललित, सिंस स्टार्टिंग, जब से मैं बॉर्न हुई, मैं एक बहुत इनक्रेडिबल पेरेंट्स के थ्रू बॉर्न हुई. और उन पेरेंट्स ने हमेशा, मैंने जब भी देखा तो उनका यही देखा कि वो एक लाइफ को बहुत इजी गोइंग में लिया है उन्होंने स्टार्टिंग से. एंड हमेशा एक उन्होंने ये वर्क किया कि हमें लोगों के लिए वर्क करना है. उसी अकॉर्डिंग मेरे ग्रैंडफादर ने एक स्कूल स्टार्ट किया था, एक प्राइमरी सेक्शन का स्कूल स्टार्ट किया. मैंने जैसे जैसे ग्रोथ लिया, जैसे हम फास्ट फॉरवर्ड अगर बात करते हैं तो मैंने उनको वर्क करते हुए देखा कि वो कैसे एक, जो एक सेक्टर होता है जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन सेक्टर के लिए कैसे वो वर्क करते थे. उसी चीज़ को मैंने लाइफ में आगे लेते हुए और अपना करियर यही सोचा था कि मैं एक इसी लाइन में जाऊँगी. और सिंस दैट, और मैं इसी वर्क लाइन में वर्क कर रही हूँ. शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ ऐसी कुछ सामाजिक गतिविधियाँ हैं जो कि आपके संस्थान के द्वारा चलाई जाती है, ऐसा कुछ? देखिए, कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो कि आश्रम में हम लोग उनको अडॉप्ट करते हैं. लाइक जैसे अपना घर आश्रम है, वहाँ के कुछ बच्चे हैं जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, राइट? तो उन ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग हर साल बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को. और उनका फीस और उनका जो सारा एक्सपेंसेस रहता है रिलेटेड टू एकेडमिक पर्पस, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे यहाँ से. अच्छा, तो मैम आप जैसे शिक्षा क्षेत्र में आए हैं, आपको अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाओं मिलती होगी, अलग अलग आपके लिए क्षण होते होंगे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ बहुत नर्वस. तो ऐसे कुछ क्षण आपकी लाइफ में होंगे कि आपको बहुत प्राउड हुआ होगा कि आप इस शिक्षा क्षेत्र में आए, इन शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े, ऐसे कोई क्षण आपकी लाइफ में आए हों? देखिए, काफ़ी टाइम होता है, जैसे हम लोग हमेशा जब एडमिशन टाइम रहता है हमारा म्यूजिकली, तब कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी रहते हैं जो कि फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे रहते हैं. अच्छा. जिनको हम लोग हमारे मेडिकल साइंस के अंदर स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं. उन पर उन नो डाउट उन स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से स्कूल्स भी रहते हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसा भी चाहते हैं कि वो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ ही उनका अकेडमिक्स चले, राइट? तो हम उन स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास काफ़ी. एंड उन स्टूडेंट्स का जब हम लोग अकेडमिक बेस्ट देते हैं और जब वही पेरेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आके हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो वो एक सबसे अच्छा पॉइंट रहता है कि हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, पढ़ाई हर स्कूल में होती है, स्टूडेंट्स हर टाइप से पढ़ते हैं, बट जब आप एक स्पेशल चाइल्ड को फोकस करके पढ़ाते हैं तो दैट इज द बेस्ट एंड स्पेशल मोमेंट फॉर मी. अच्छा मैम, अब जैसे आप इस शिक्षा के क्षेत्र में आप कर रहे हैं, अगर आप इस शिक्षा क्षेत्र में नहीं होते, अगर आप यहाँ पर एज अ डायरेक्टर वर्क नहीं कर रहे होते, इस शैक्षणिक संस्थान को नहीं रन कर रहे होते, उस कंडीशन में आप अपने आप को कहाँ देखते? आप अगर यहाँ नहीं होते तो आप कहाँ होते? देखिए, एज स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि मेरा शुरू से ही एक ही मोटो था कि एज मैंने जो मेरे फादर ने, ग्रैंडफादर ने जिस चेन को आगे बढ़ाया है, मैं उसी में वर्क करूं. बट देन टू अगर मैं इस लाइन में नहीं होती तो मैं नो डाउट सोशल वर्किंग साइड में ही रहती, मैं अपने NGOs ही रन करती और मैं उसी अकॉर्डिंग वर्क करती. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, विश्व भर में कार्यक्रम हो रहे हैं महिलाओं के लिए, आप अजमेर की महिलाओं को, अजमेर की बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, मैं एक संदेश ये देना चाहूँगी कि कुछ अभी भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर गर्ल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, विमेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है उस केस के अंदर, और स्पेशली एजुकेशन लाइन के अंदर. बिकॉज जैसे हम बात करते हैं तो हमें ये पता पड़ता है कि पेरेंट्स का अभी भी अराउंड 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका मानना ये रहता है कि गर्ल्स को
पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज एट द एंड दे हैव टू मूव टू समवेयर एंड्स फैमिली, राइट? सो उस केस के अंदर एजुकेशन जो है वो एक बेसिक राइट है हर इंसान का. सो मैं यही मोटो, मेरा मोटो यही रहेगा कि प्लीज़ अपने जो भी डॉटर्स हैं उनको पढ़ाएं, बिकॉज आज का टाइम ऐसा है जहाँ लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट? वहाँ लड़कियाँ वहाँ खड़ी है जहाँ लड़कियाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम आईक्यू लेवल देखें, लीडरशिप देखें या फिर हार्डवर्क देखें, वहाँ सबसे बेस्ट ही दे रही है गर्ल्स. तो वाई हम गर्ल्स पे क्यों फोकस नहीं करना चाहते हैं? तो मैं यही पेरेंट्स को और अजमेर की जनता को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप गर्ल्स को भी एक बॉयज़ के जैसा इंपॉर्टेंस देकर और उनके ऊपर भी फोकस करें ताकि वो आपका नेम एंड फेम उसको बढ़ाए. धन्यवाद लविका जी. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में, टाक शिक्षा निकेतन के डायरेक्टर लविका टाक जी. और हम कोशिश करेंगे कि अजमेर की अन्य ऐसी महिलाएं जो कि अजमेर की अन्य महिलाओं के लिए किसी तरह से एक मोटिवेशनल है, उनसे हम आपको रूबरू कराते रहिए. जुड़े रहिए हमारे साथ MTTV इंडिया के साथ. धन्यवाद.